केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में बढ़ोतरी होने के कारण बैंक ने लोन के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरी योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है और इस सिलसिले में SBI, BOB और PNB ने FD के रेट्स में बढ़ोतरी की है। अच्छी बात यह है कि ये सीनियर सिटीजन को फिक्स्ड डिपॉजिट पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। बता दें कि SBI 7% जबकि पंजाब नेशनल बैंक 7.25% का ब्याज दे रहा है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को बैंक ऑफ बड़ौदा 7.80% का ब्याज प्रदान कर रहा है। लेकिन आपके काम की बात यह है कि अगर आप भी FD में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसमें से कौन सा बैंक किस टेन्योर पर अच्छा ब्याज दे रहा है। SBI सीनियर सिटीजन को FD पर अधिकतम 7% की सुविधा प्रदान कर रहा है। ये ब्याज 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर मिलेगा जबकि आम नागरिकों को 2 साल से कम की FD पर 6.50% का ब्याज मिलेगा। 2 साल से लेकर 5 साल से कम वाली FD पर 5.75% और 5 से 10 साल तक की FD पर 5.50% का ब्याज मिलेगा। PNB ने 1 साल से 665 दिन के लिए 45 बेसिस पॉइंट ब्याज में इजाफा किया है और इस अवधि के दौरान 6.75% का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज दर 2 साल के टेन्योर के लिए भी लागू है। 2 से 3 साल की FD पर 6.75 ही है जबकि 666 दिन की स्पेशल FD पर 7.25% ब्याज मिलेगा। बता दें कि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए PNB 8.05% का ब्याज दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने FD दरों में इजाफा करते हुए 0.66% ब्याज दर बढ़ा दी है। अब फिक्स डिपॉजिट पर 3.50% से 7.80% तक ब्याज दिया जा रहा है। बता दें कि बैंक ने 2 करोड़ रुपए से नीचे के निवेश पर FD दर में इजाफा किया है और बैंक 10 साल के टेन्योर के लिए FD दे रहा है।